इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। और इंसानियत की फिक्र के लिए है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन का प्रोग्राम है और आज यहाँ पर स्टेट का कंक्लूजन है और सेहत इसकी फिक्र तमाम इंसानियत के लिए और हर फर्द के लिए ज़रूरी है। जैसे कि कलाम मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल फरमाई जिसका नाम एक फल के साथ रखा, और हम जानते हैं सेहत के लिए फलों का क्या मकाम है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वत्तीनी वज़ैतून, अल्लाह तबारक व तआला ने दो फलों की कसम खाई और फरमाया, इसमें इशारा है कि सेहत और इंसानी तकवियत के लिए फलों का, ग़िज़ाओं का और इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है इसको सही ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ ग़िज़ाओं का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल की ग़िज़ाएँ बहुत मशकूक हो गई हैं, जिसमें सेहत का भी अंदेशा है, और कुरान मजीद में कई ऐसी ग़िज़ाओं का ज़िक्र है कि जिससे इंसान को कुव्वत, सेहत और तरक्की मिलती है, जिस्मानी तरक्की मिलती है। संयुक्त आसन बोल के 12 स्टेप्स है, पहला दिखाता हूँ, बाद में उसका इंशाल्लाह नाम बताता हूँ।
अभी प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो बच्चों के कराटा प्रैक्टिस का एक मुजाहिरा है। इसमें कौम के बच्चे आपके सामने कुछ ऐसे टेक्निक्स कराटे के बताएंगे जो आपको, अगर आप समझ जाते हैं तो आपके तहफ़ के लिए और आप अपनी जान की हिफाजत के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Ready, one. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Double punch. Ready, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Up. First kata. Ready, one, two, three, four, five, up. ये नॉर्मल पुशअप्स बता रहे हैं, अब ये पंच पुशअप है, फाइव फिंगर, थ्री फिंगर पुशअप्स, रिस्ट पुशअप्स, अब ये स्पेशल पावर पुशअप्स आपको बता रहे हैं। कॉल है डॉक्टर साहब से, किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब बेहतरीन सेहत के लिए कुछ नसीहत करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि रोज़ाना वर्जिश, वक्त पर सोना और वक्त पे खाना।
अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग मौके पर अलग अलग जो है खिदमत अंजाम पेश करती आई है। हम लोग देखे हैं फ्लड्स में हो या फिर पैंडमिक में हो, ब्लड डोनेशन के कैंप्स वगैरह हो, ये सारे काम हम लोग जो है बहुत सालों से और हर जहाँ कहीं भी हमारा एग्जिस्टेंस है वहाँ पर हम लोग करते आए हैं। इसी तरीके से हमारा एक कैंपेन है हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन, जो हर साल हम लोग पूरे नेशनल में हम लोग जो है कैंपेन चलाते हैं। इसी कैंपेन के तहत आज अल्हम्दुलिल्लाह बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से हेल्दी पीपल हेल्दी नेशन से एक मैराथन रखा गया वर्ल्ड एड्स डे के दिन। मैराथन के साथ साथ हम लोग यहाँ पर जो है एक स्टेज प्रोग्राम किए हैं, जहाँ पर योगा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, टाइकोंडो वगैरह भी चंद चीज़ें डेमोन्स्ट्रेशन हो बताए हैं, जिसमें सेल्फ डिफेंस वगैरह भी आता है। ये इससे हमारा एक ही मकसद है कि लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा हो कि वो खुद की सेहत का ख्याल रखें, और नौजवानों के अंदर जो एक नशे की आदत आदि हो गए हैं, हम लोग चाहते हैं, हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि वो लोग उस ट्रैक को छोड़ करके अपनी सेहत का ख्याल करके अपनी सेहत के ऊपर मेहनत करें और अपने जो भी चीज़ों में वो लगे हुए हैं उन चीज़ों को छोड़ दें। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रोग्राम्स तो बहुत सारे होते हैं, मगर हेल्थ जो है वो इसके बारे में मैंने बहुत कम प्रोग्राम देखा है। इस प्रोग्राम्स में बहुत सारे नौजवानों ने अपनी कर्तव्य दिखाए, कुछ लोगों ने कराटे दिखाया, कुछ लोगों ने एक्सरसाइज करना सिखाया। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, हम बातें तो बहुत कर सकते हैं मगर जब करने पर आता है तो बहुत डिफ़िकल्ट है। सब पंचुअलिटी और रेगुलरिटी हेल्थ के चीज़ में या सुबह उठ के करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर इस ऐसे प्रोग्राम से अगर थोड़े भी नौजवान बच्चे अगर यू नो इनिशिएट कर ले, अपने आप को स्टार्टअप कर लिए, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे प्रोग्राम्स बार बार होना चाहिए, क्योंकि नौजवानों को हम ये भी सीख दे सकते हैं कि एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है। और दूसरी बात, आजकल जो जैसे इन्होंने बोला कि ड्रग्स और अल्कोहल का जो एक चलन सा चालू हो गया है, और ये जो मोबाइल है, इंटरनेट है, फेसबुक है, जो यूज़ करना ज़रूरी है मगर एक हद तक करना है। अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना है, बिकॉज़ यू नो ये बच्चे इतना यूज़ करते हैं मोबाइल्स को रही है कि ये लोग सुबह उठ नहीं पाते, ये इतने आदि हो गए। आजकल की नो जनरेशन कि आप देखते रहेंगे, कहीं भी आप जाओ कि सब नौजवान मोबाइल लेके सर झुका के बैठे रहते हैं। ऐसा ना हो कि आगे का जनरेशन यू नो सर झुका के आ जाए। बस एक छोटी सी कोशिश थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कि और हम सब की कि यू नो हेल्थ का इम्पोर्टेंस हम सबको बताएं।